हेलो व्यूअर्स, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सर्विस ट्रिब्यूनल, पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का अहम तरीन जो है हुक्म वो आपके साथ शेयर करूँगा, आर्डर जो उन्होंने जारी किए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलूँ कि पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल डॉक्टरों को ज्वाइनिंग डेट से मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया है। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने डॉक्टरों को नौकरी ज्वाइन करने की तारीख से मुस्तकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने डॉक्टरों की दरख्वास्त पर मंजूर करते हुए महकमा सेहत को अमल दरामद की हदायत कर दी है। चेयरमैन पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल अब्दुल समी खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार डॉक्टरों के वकील ने कहा है कि कानून के तहत डॉक्टरों को नौकरी ज्वाइन करने की तारीख से ही मुस्तकिल किया जा सकता है। सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का कोई तसव्वुर नहीं है। साल 1995 में भर्ती होने वाले डॉक्टरों को 2015 में मुस्तकिल किया गया। महकमा सेहत ने भर्ती और मुस्तकिली के दरमियानी अरसा को कॉन्ट्रैक्ट शुमार करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। आपको बताता चलें कि पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल डॉक्टरों को ज्वाइनिंग डेट से मुस्तकिल करने का हुक्म, इससे पहले असाज़ा कराम के हवाले से भी कई दफ़ा फैसले आ चुके हैं, अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अब डॉक्टर्स के हवाले से बताता चलूँ कि फिर पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया है कि डॉक्टर को ज्वाइनिंग डेट से मुस्तकिल किया जाए। इस पर अमल दरामद कब होता है, ये भी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आई तो आपके साथ शेयर की जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं।